उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने की कोशिशें तेज हो गई है। इसके मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव से लखनऊ में मिले। इस बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव जीतने पर अखिलेश ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश और उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि अखिलेश यादव ने अपने मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने से इनकार कर दिया है। गायत्री प्रजापति वही मंत्री है जिन्हें अखिलेश ने हटा दिया था और बाद में मुलायम सिंह यादव के कहने पर फिर कैबिनेट में शामिल किया था। गायत्री प्रजापति को 25 तारीख को होने वाले रजत जयंती कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन अखिलेश के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश समर्थक MLC उदयवीर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि उदयवीर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर कहा था कि पार्टी और परिवार में जारी तमाम मुसीबतों के पीछे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव और शिवपाल यादव है। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों अखिलेश से चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने अखिलेश को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का सहारा भी लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर पर है और पार्टी में अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें पार्टी दो फाड़ की स्थिति में है। ऐसे में अब शीर्ष नेताओं को भी डर सता रहा है कि घर के झगड़े का खामियाजा उन्हें चुनाव में ना भुगतना पड़े, और शायद यही वजह है कि आज पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से मिले। देखते रहिए डीबी लाइव।